हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस गोपाल। माय नेम इज़ निवेदिता साहू और इंग्लिश के आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में गलत बोलते हैं और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, और फिर जब वही सेंटेंसेज हम एग्जाम में देखते हैं तो हमें वो सही लगते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ रोहन, ये सेंटेंस होता है गलत। हमें इसकी जगह पे बोलना चाहिए आई एम रोहन या फिर माई नेम इज़ रोहन। अभी गलत होता क्यों है तो मैं उसका कारण बताती हूँ। इंग्लिश में ये जितने भी वर्ड्स होते हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ टाइप के, इनका इंग्लिश में सिर्फ दो ही काम है, या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेंगे या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये होता क्या है तो इस सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पे सॉ एक वर्ब है, देखने का काम हुआ। किसने देखा? सब्जेक्ट आई ने, मतलब मैंने देखा। मैंने किसको देखा? खुद को देखा। यहाँ माई सेल्फ का मतलब होता है खुद, मतलब ये जो माई सेल्फ है ये यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो देखने का काम हुआ जो कि वर्ब है। किसने देखा? अगेन सब्जेक्ट आई ने देखा। और आई ने किसको देखा? तो इस बार ऑब्जेक्ट है हिम, मतलब मैंने देखा उसको। अब ये जो माई सेल्फ है ये यहाँ पर जोर डाल रहा है सब्जेक्ट आई पर एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। मतलब इंग्लिश में ये जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक हैं ये दो ही काम करेंगे, या तो वर्ब के बाद आएंगे एज एन ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट के पास आएंगे एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके अलावा ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकते, एंड दैट्स वाई ये सेंटेंस आपका गलत होता है। अगला है माई इंग्लिश इज़ वीक। अक्सर लोग बोल देते हैं मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, पर ये गलत होता है। इंग्लिश कभी कमज़ोर थी ही नहीं। अगर कोई कमज़ोर है तो वो आप कमज़ोर हो। तो हमें कहना चाहिए कि आई एम वीक इन इंग्लिश, या फिर आई एम वीक इन स्पोर्ट्स, या किसी भी चीज़ में अगर आप कमज़ोर हो तो आई एम वीक इन समथिंग। आप कभी नहीं बोलोगे माई इंग्लिश इज़ वीक या माई मैथमेटिक्स इज़ वीक। यू हैव मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अक्सर बहुत से लोग गलत बोलते हैं। आपको पता हो तो ये गलत होता है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब भी होता है बिग मिस्टेक, बड़ी गलती। जब आप ब्लंडर कह ही रहे हो तो आपको दोबारा से मिस्टेक कहने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपली कहिए यू हैव मेड अ ब्लंडर या फिर यू हैव मेड अ मिस्टेक। ही इज़ माई रियल ब्रदर या शी इज़ माई रियल सिस्टर। अब आप ध्यान रखिए, रियल मतलब होता है असली। अब आप खुद सोचिए असली नकली जैसा कुछ होता भी है क्या भाई बहन के लिए? हमें सिंपली कहना चाहिए ही इज़ माई ब्रदर या शी इज़ माई सिस्टर। अब लोग कह देते हैं ही इज़ माई कज़िन ब्रदर। कज़िन का तो मतलब ही होता है ब्रदर या सिस्टर। तो कभी भी आपको कहना है कि वह मेरा चचेरा या ममेरा भाई है तो आप कहिए ही इज़ माई कज़िन या शी इज़ माई कज़िन। ही या शी से ही पता चल जाएगा कि वो आपका भाई या बहन है। हाँ, अगर आपको कहना है कि वह मेरे भाई जैसा है तो फिर आप कहिए ही इज़ लाइक माई ब्रदर। आई हैव ग्रेजुएटेड इन बी कॉम। ध्यान रखिए यहाँ पर ये सेंटेंस भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि बी कॉम का मतलब ही होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें ऑलरेडी बैचलर शब्द छुपा हुआ है। बैचलर खुद रिप्रेजेंट करता है कि वो एक ग्रेजुएट डिग्री है। तो कभी भी आपको कहना चाहिए आई हैव ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स। आई हैव कम टू द फाइनल कंक्लूजन, ये सेंटेंस भी गलत होता है। कंक्लूजन हमेशा है फाइनल ही होता है, कंक्लूजन हमेशा अंतिम होता है। इसलिए सिंपल कहिए आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कभी भी फाइनल वर्ड इसके साथ नहीं लगता। सॉरी फॉर दी टाइपो एरर, ये वो गलती है जो अक्सर लोग व्हाट्सएप में लिख देते हैं, कुछ गलत टाइप करते हैं तो बाद में बोल देते हैं सॉरी फॉर दी टाइपो एरर। बट ये भी गलत होता है क्योंकि टाइपो का मतलब ही होता है टाइपिंग एरर। तो आपको सिंपल कहना चाहिए सॉरी फॉर दी टाइपो। नाउ ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, ये वो स्टेटमेंट है जो मैक्सिमम लोग बोल देते हैं कि वो बाहर हैं। बाहर हैं का मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, ऐसा बोल देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको कहना है कि वो शहर से बाहर हैं या देश से बाहर हैं तो आप कहिए ही इज़ आउट ऑफ टाउन या सिटी या स्टेट या कंट्री। आई हैव थ्री ब्रदर इन लॉज। अब आप बोलोगे इसमें क्या गलत है? तो ध्यान रखिए ऐसा कोई भी वर्ड जो हाइफ़न लगा होकर, हाइफ़न लगकर बनता है, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ, इनको जब प्लूरल बनाया जाता है तो लॉ में ऐस नहीं लगता है, मेन वर्ड में ऐस लगता है। और यहाँ मेन वर्ड है हमारा ब्रदर, तो यहाँ पे हो जाता है आई हैव थ्री ब्रदर्स इन लॉ। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, ये सेंटेंस सुनने में शायद सही लग रहा होगा बट एक्चुअली में ये गलत है। अगर आपको मालूम हो तो चाइल्ड सिंगुलर नाउन होता है लेकिन चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल नाउन होता है। अब जो नाउन खुद प्लूरल है तो उसमें एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें कहना चाहिए हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। नाउ व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो शायद ये सही लग जाए कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, लेकिन ये भी गलत है। हमें कहना चाहिए व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। क्यों? क्योंकि यहाँ बाय का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू से मतलब है आपकी घड़ी के हिसाब से कितना बज रहा है, क्योंकि हर किसी घड़ी में एग्जैक्ट सेम टाइम चल रहा हो ज़रूरी तो नहीं। तो आपकी घड़ी के हिसाब से कितना समय हो रहा है तो सामने वाला अंदाज़ा लगा लेता है अपने काम का। आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, ये भी ठीक लगता होगा लेकिन ये गलत है। ये गलती बहुत से लोग अपने रिज्यूमे में करते हैं, खासतौर से वहाँ पर जहाँ पर हॉबीज़ का एक सेक्शन होता है तो लोग लिखते हैं आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक।
बट रिमेंबर, लिसन एक ऐसा वर्ड है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए हो तो उसके पहले प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ता है, मतलब लिसन वर्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता ही है। नाउ व्हाट इज़ योर गुड नेम? इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम लग तो नहीं रही होगी, क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से आपका शुभ नाम का ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो शुभ का मतलब गुड हो जाता है, तो आपको लगता होगा व्हाट इज़ योर गुड नेम भी सही होना चाहिए, लेकिन हमें सिंपली कहना चाहिए व्हाट इज़ योर नेम। ये एक ऐसी चीज़ होगी, इट्स लाइक नोबडी हैज़ अ बैड नेम, किसी का भी नाम बुरा नहीं होता है, तो आप एम्फसाइज करके मत पूछिए किसी से कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, एवरीबडी हैज़ अ गुड नेम। यू आर माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, ये गलती भी अक्सर लोग कर जाते हैं जब वो व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह डालते हैं तो वो लिखते हैं बेस्टेस्ट फ्रेंड, जबकि ये गलत होता है। अब ध्यान रखिए, इंग्लिश में एडजेक्टिव नाम की कोई चीज़ होती है जिसकी 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री सिर्फ क्वालिटी बताती है, कंपैरेटिव उस क्वालिटी को 2 के बीच में कंपेयर करती है, और सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा के बीच में कंपेयर करती है। अब जो बेस्ट है वो अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपको बेस्टेस्ट कहने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली कहिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नाउ आई वॉन्ट 2 जेरोक्सेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ये सेंटेंस भी होता है गलत। क्यों गलत होता है? क्योंकि पहली बात तो जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, दूसरी बात जेरोक्स एक वर्ब का काम करता है, वर्ब मतलब ये एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे आप उसको एज अ नाउन नहीं यूज़ कर सकते। आपको अगर कहना भी है तो आप सिंपली कहिए आई वॉन्ट 2 कॉपीज या 2 फोटोकॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सीजर इज़ नॉट शार्प, ये सेंटेंस सुनने में बिल्कुल सही लगता है, देखने में भी सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। हमें इसकी जगह पे कहना चाहिए था सीजर्स आर नॉट शार्प। अब ऐसा क्यों? तो ग्रामर में ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो 2 चीज़ों से मिलकर एक बने हैं, लाइक स्पेक्टिकल्स, चश्मा, 2 लेंसेज से मिलकर एक बना है, गॉगल्स, सनग्लासेस, जीन्स, पैंट्स, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं जो नीचे से 2 लेकिन बनने के बाद एक होते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। क्या कभी हम जीन्स को जीन बोलते हैं? कभी नहीं बोलते, इसलिए इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो जो कैंची है वो भी 2 ब्लेड से मिलकर एक बनी होती है, इसलिए उसे सीजर्स बोलते हैं और उसके साथ आर लगता है हमेशा। प्लीज़ रिप्लाई बैक टू माई ईमेल, ये गलती बहुत से लोग करते हैं, खासतौर से ईमेल के साथ में, जहाँ पर रिप्लाई के साथ वो बैक लगाते हैं। कभी भी हमें कहना चाहिए प्लीज़ रिप्लाई टू माई ईमेल, क्यों? क्योंकि रिप्लाई, रिटर्न, रिवर्ट, रिम्बर्स, इन सब का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ वापस। जैसे कि रिप्लाई का मतलब होता है आप किसी को आंसर में कुछ लिख के भेज रहे हो, रिटर्न तो आप सबने ही सुना होगा। एक और बात, रिवर्ट का इस्तेमाल कभी मेल के लिए करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिवर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचाना, और रिम्बर्स भी किसी को पैसे वापस करने के लिए बोला जाता है। इन चारों शब्दों के साथ कभी भी बैकवर्ड का यूज़ नहीं करना होता। नाउ व्हेन आई वॉज स्मॉल आई यूज़ टू गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो ठीक ठाक समझ में आता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ जाता था। तो यहाँ स्मॉल का मतलब छोटा से होता है, लेकिन स्मॉल इंडिकेट करता है साइज़ को, इसलिए हमें कहना चाहिए व्हेन आई वॉज यंग या फिर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज़ टू गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। आई हैव टू विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम द ATM मशीन, ये सेंटेंस भी कई लोग बोल जाते हैं जल्दबाजी में, लेकिन अगर आपको पता हो तो ATM का फुल फॉर्म ही होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसलिए हमें दोबारा से मशीन कहने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक, PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस, हैव अ गुड डे एंड कीप स्माइलिंग।